हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना ब्लॉग में। आज मैं अपने पुराने घर में आई हूँ जो कि मवैया गांव है। आइए मैं आपको अपना पुराना घर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा किचन है। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा छोटा सा पूजा घर है। ये एक और कमरा है जो कि बंद पड़ा था, इसलिए इसमें देखिए घास वास निकल आए हैं। पहले हम लोग यहीं पर रहते थे। बहुत छोटा सा घर है ये, बस दो कमरे का है। आइए ये देखिए, ये बाहर का सीन है। ये देखिए, ये लौकी का पेड़ है। ये देखिए, ये लौकी का पेड़ लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए हमारे पेड़ की लौकी है। ये कोई भी लकड़ चढ़ने से छत पर उसका सूर अंदर से। ये देखिए, ये बैगन के पेड़ है, इसमें बैगन लगे भी हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, आपको हम पास से दिखा रहे हैं। ये कुछ फूल है, गुलदाबरी का फूल है ना भैया? कौन? ये वाला? हाँ, ये गुलदाबरी का फूल है जो कि ठंडी के मौसम में खिलते हैं। और ये अमरूद का पेड़ है, काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये गुलाब का पौधा है। ये आम का पेड़ है, सीजन में ये फटता भी है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बाहर से घर दिखा रही हूँ। अच्छा, तो मम्मा मेरे लिए भी बना देना। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं चाय बना रही हूँ। दूध में चाय पत्ती डाल दिया हमने, मैं चीनी डालूंगी। पहले आप जो गाय पालते हैं, भैंस भी था बेटा, गाय के साथ साथ भैंस भी था, भैंस भी पाले थे। ये देखिए मेरा चाय बन गया है।
अब मैं इसको छानूंगी और पीऊंगी रोज। क्यों तुमने वहां से तोड़ा? फूल मत तोड़ना, गुलाब का फूल ही होना। यार गजब आदमी तुम लोग, हटाओ रास्ते पर से, पैर पड़ेगा इसके ऊपर। सो फ्रेंड्स ये देखिए चाय का हम लोग मजा ले रहे हैं। ये हमारी दीदी है, बड़ी ननद है और ये हमारी भांजिया है। बस इतना बहुत है।